पता है आपका पुलिस एक्ट की इस फाइनल क्लास में पुलिस एक्ट का जो पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा कल के वीडियो में, या एक दिन का गैप देके अगले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एक या दो दिन में एमसीक्यू हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर पुलिस रेगुलेशन पर आएंगे और रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज ये पुलिस एक्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है, धैर्य बनाए रखिएगा। थोड़ा सा अलग तरीके के सेक्शन है, पहले ग्रुपिंग वाले सेक्शन मैंने पढ़ा दिए थे, जैसे तीन या चार सेक्शन एक जैसे होते थे, अब इसमें अलग अलग सेक्शन है। तो सेक्शन 42 से शुरू करेंगे। आप लोगों ने जो पिछले वीडियो में रिस्पॉन्स दिया वो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आगे के वीडियो में रिस्पॉन्स देते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, मैं आपके लिए मटेरियल अच्छे से अच्छा लाता रहूंगा। तो धारा 42 पर सीमा की बात करती है, ठीक है? पर सीमा मतलब लिमिटेशन, एक तो लिमिटेशन एक्ट है लेकिन यहाँ पर धारा 42 में लिमिटेशन दी गई है। पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ होंगी उनके बारे में, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत जो अभियोजन होंगे उनके बारे में। तो आइए देख लेते हैं, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध समस्त कार्रवाइयाँ, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा रही है पुलिस अधिनियम में, या समस्त अभियोजन, कोई अभियोजन किया जा रहा है अलग अलग सेक्शन में, सेक्शन 34 में, 34 का में, है ना, 32 में, अलग अलग जगह कार्रवाइयाँ दी गई हैं, तो कहीं भी अगर कोई कार्रवाई या कोई अभियोजन किया जा रहा है तो वो जिस दिन प्रवादित किया जाएगा 3 माह के अंदर प्रारंभ कर दिया जाएगा। मतलब जिस दिन उसकी शिकायत की गई उसके 3 माह के अंदर वो कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, और अगर 3 माह के अंदर प्रारंभ नहीं की जाती है तो अन्यथा नहीं की जाएगी। तो ये जो लिमिटेशन लगाया गया है वो 3 माह का लगाया गया है। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि पुलिस अधिनियम के अंतर्गत परसीमा से संबंधित या फिर किसी कार्रवाई की सीमा से संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा 42 है, ठीक है? क्या ये धारा निम्न में से किस पर लागू होती है, समस्त कार्रवाइयों पर, समस्त अभियोजन पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो समस्त कार्रवाइयों और समस्त अभियोजन पर लागू होती है। और कितने दिन में कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, तो 3 माह में कर दी जाएगी। किस तारीख से 3 माह प्रवादित किया गया है, जिस दिन से प्रवादित जो कार्य है उससे 3 माह के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। मतलब जो कार्य किया गया है, जिसके मामले में कार्रवाई की जानी है, उससे 3 माह के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर 3 माह के अंदर प्रारंभ नहीं की जा रही है तो वो टाइम बार्ड हो जाएगी, ठीक है? अगला पॉइंट है, किसी बात या कार्रवाई के बारे में प्रतिवादी या जिला अधीक्षक सहायक जिला, सहायक जिला अधीक्षक को लिखित नोटिस 1 माह के अंतर्गत दिया जाएगा। अगर कोई कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तो जो उसका प्रतिवादी है ना, मतलब कार्रवाई दो लोगों के बीच होती है, अगर एक पक्ष से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तो दूसरे पक्ष को जो लिखित नोटिस होगा वो 1 माह के अंदर दिया जाएगा। तो ये हमने सिंपल करके आपको सेक्शन 42 पढ़ा दिया। आइए वेयर एक्ट में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या प्रावधान है। वेयर एक्ट में इस बार इस जो सेक्शन है उसमें बिल्कुल ही अलग तरीके से कठिन भाषा लिखी। कार्रवाइयों के लिए परसीमा सिंपल है, परसीमा वाई आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध बेसब कार्रवाइयां और अभियोजन जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई है, किए जाने के लिए आशयित है, एतद द्वारा की गई साधारण पुलिस व्यक्तियों के शक्तियों के अधीन की गई किसी बात के लिए वैधता किए जाएंगे, प्रवादित कार्य किए जाने के पश्चात 3 मास के अंदर, ना कि अन्यथा आरंभ किए जाएंगे। मतलब जो भी कार्रवाई करनी है वो 3 माह के अंदर कीजिए, अन्यथा आरंभ नहीं की जाएगी, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे बात के चलाए जाने के पूर्व यदि प्रतिवादी के द्वारा निमित्त पर्याप्त अवितुष्टि की निविदा की गई है, यदि ऐसे बात चलाए जाने के पश्चात धन की पर्याप्त राशि न्यायालय में संदाय कर दी गई है, तो कोई प्रवादी ऐसे किसी बाद में प्रत्युद्धरण राशि नहीं पाएगा। ये अलग पॉइंट है। और लिखित सूचना प्रतिवादी को या उस जिले के जिसके कार्य किया जा रहा है जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को कम से कम 1 माह पूर्व दी जाएगी। मतलब कार्रवाई प्रारंभ करने के 1 माह पूर्व सूचना दी जाएगी, किसको? प्रतिवादी को, या फिर जिस जिले के विरुद्ध, जिस जिले के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसके जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को, ठीक है? तो ये जो धारा है इतने ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? परंतु सदैव यह है कि उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होगी जहां ऐसे अधिकारी का उसी कार्य के लिए आपराधिक अभियोजन हो चुका है, जहां आपराधिक अभियोजन किया जा चुका है उस अधिकारी का जिसने पुलिस एक्ट या किसी अन्य एक्ट में कोई उल्लंघन किया है, तो इस अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं होगी। परंतु कह रहा है आपके काम की ये चीज है कि परसीमा के बारे में प्रावधान किस धारा में, 42 में, किन पर लागू होगा, समस्त कार्रवाइयों पर, समस्त अभियोजन पर, कितना टाइम, प्रवादित कार्य किए जाने की तारीख से 3 माह, किससे 3 माह, प्रवादित कार्य किए जाने की तारीख से, और नोटिस, लिखित नोटिस पर प्रतिवादी को कब दिया जाएगा, 1 माह के अंदर कार्यवाही
किसी कार्रवाई के बारे में जो लिखित नोटिस होगा वो 1 माह के अंदर दिया जाएगा, या तो प्रतिवादी को दिया जाएगा या जिस जिले के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसके जिलाधीक्षक या सहायक जिलाधीक्षक को दिया जाएगा। तो सेक्शन 42 आपका कवर हो गया होगा। सेक्शन 43 पे आते हैं, वारंट के अधीन कार्य अभियोजन। किसी पुलिस अधिकारी ने कोई कार्य किया है, किससे? पुलिस अधिकारी की हैसियत से, और इस कार्य के लिए या तो कोई कार्रवाई की गई है या अभियोजन चलाया जा रहा। मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी ने कोई कार्य किया था और कहा जा रहा कि जो कार्य पुलिस अधिकारी ने किया था वो गलत है और उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा रहा है, तो इस पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह अपना बचाव कर सकेगा। सिंपल सी बात है कि पुलिस अधिकारी के अगर कार्य को गलत ठहराया जा रहा तो उसको एक मौका दिया गया सेक्शन 43 में कि वह अपना बचाव कर सकेगा। क्या बचाव कर सकेगा? कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट के वारंट के अधीन किया है। अगर उसने वारंट के अधीन किया है तो वह मजिस्ट्रेट बता सकेगा कि हमने जो ऐसा कार्य किया है वो मजिस्ट्रेट के वारंट के अधीन किया है। मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित वारंट भी पेश कर सकेगा। अगर मान लीजिए वो कहता है कि हमने मजिस्ट्रेट के वारंट के अधीन किया है तो जहाँ कार्रवाई चल रही है वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या प्रूफ है, तो वो वारंट भी प्रस्तुत कर सकेगा, है ना, और वारंट प्रस्तुत करके अपने पक्ष में आज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा। अब इसमें ये चीज बिल्कुल ही मैटर नहीं करती कि जिस मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है उसको अधिकारिता थी या नहीं थी। अगर उसको अधिकारिता नहीं भी थी वारंट जारी करने की तो भी पुलिस अधिकारी को बचाव मिलेगा। ये मैटर नहीं करता कि उसको अधिकारिता थी या नहीं थी, ठीक है। तो इस धारा में जो धारा 43 में बताया गया है इसमें पुलिस अधिकारी को एक तरीके से बचाव दिया गया है। पुलिस अधिकारी अपने किसी भी कार्य के लिए बता सकता है कि हमने ये वारंट के अधीन किया है और मजिस्ट्रेट के वारंट के अधीन किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ ऐसे मामले में बचाव मिलेगा जिसमें उसने वारंट जारी करवाया, उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता थी, उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का प्रश्न नहीं उठता, या उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं थी। तो सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, मजिस्ट्रेट को अधिकारिता थी या नहीं थी इससे पुलिस अधिकारी का कार्य गलत नहीं होगा। पुलिस अधिकारी अपना जो बचाव है वो कर सकेगा। पुलिस अधिकारी के बचाव के संबंध में धारा 43 में प्रावधान है। तो ये धारा 43 स्पष्ट हो गई। अब धारा 44 की बात कर लेते हैं। धारा 44 बात करती है जनरल डायरी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा कई बार, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कई सेक्शन आते हैं लेकिन जनरल डायरी का सेक्शन आपसे बार बार पूछा जाता है और ये यूज भी बहुत ज्यादा होता है। धारा 44 जो है वो जनरल डायरी के बारे में प्रावधान करती है, याद कर लीजिएगा। प्रत्येक पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी, जो पुलिस थाने का इंचार्ज ऑफिसर होगा उसकी ये ड्यूटी होगी कि वह राज्य सरकार द्वारा नियत प्रारूप में, प्रारूप जनरल डायरी का कौन नियत करेगा? राज्य सरकार। साधारण डायरी रखे जिसे जीडी कहते हैं सामान्य भाषा में, जनरल डायरी रखे और निम्न बातें अवलिखित करे। क्या क्या अवलिखित करे? किए गए प्रवाद और तथा आरोप। अगर कोई कंप्लेन दर्ज कराता है तो वो कंप्लेन जीडी में होनी चाहिए, या कोई आरोप लगाया जाता किसी व्यक्ति पे तो वो आरोप जीडी में होना चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, प्रवादियों के नाम व सूचना, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध, आयुध व संपत्तियों का विवरण, साक्षियों के नाम जिसकी परीक्षा की गई है आदि, ठीक है। तो जनरल डायरी को मंगवाने तथा निरीक्षण करने का जिले मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा। अब आप सिंपल सी बात है, जीडी को हम लोग थोड़ा सा साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि जीडी होती क्या है। एक जो कहावत है वो ये है, कहा जाता है कि अगर एक पुलिस स्टेशन है, ये अगर एक पुलिस थाना है तो इसके गेट के अंतर्गत ये गेट है, जो कुछ भी होगा, चाहे वह किसी के खिलाफ कंप्लेन की जा रही हो, कोई आरोप लगाया जा रहा हो, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, कोई हथियार जब्त किए जा रहे हो, है ना, किसी आरोपित अपराध, किसी अपराधी के विरुद्ध कोई अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित कोई अपराध हो, कोई साक्षी बुलाकर उसकी परीक्षा की जा रही हो, इस गेट के अंतर्गत जो कुछ होगा वो सब जनरल डायरी में दर्ज किया जाएगा। ये कहावत है या ये प्रैक्टिकल वे है, लेकिन आप जानते हैं कि जनरल डायरी केवल अपने जो नियम कानून है उनके अनुसार चलाई जाती है। हर कार्रवाई दर्ज होने लगेगी तो पुलिस थाने ही बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आपसे तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल डायरी क्या प्रावधान है, धारा 44 में है, जनरल डायरी मेंटेन करने का दायित्व तो किसका होगा? तो मत बता दीजिए कि पुलिस स्टेशन का जो क्लर्क होगा, ऑप्शन वो भी होगा उसमें कि पुलिस स्टेशन का क्लर्क का दायित्व तो होगा, लेकिन पुलिस स्टेशन के क्लर्क का दायित्व तो नहीं होगा। दायित्व तो किसका होगा? दायित्व होगा पुलिस थाने के इंचार्ज, जो अधिकारी है एसओ है या जो भी कोई है पुलिस थाने का इंचार्ज अधिकारी, उसका दायित्व तो होगा, ठीक है। जनरल डायरी का प्रारूप कौन निश्चित करेगा? तो जनरल डायरी का प्रारूप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट निश्चित करेगी। कौन निश्चित करेगा? ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, ठीक है। और जनरल डायरी में क्या क्या रहेगा, तो उसमें ये ऑप्शन आ जाएंगे या क्या क्या नहीं रहेगा,
तो ये ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हालांकि अधिकतर यही पूछा जाएगा कि जनरल डायरी का सेक्शन कौन सा है और जनरल डायरी को मंगवाने और निरीक्षण करने के लिए किसके पास अधिकार होगा, डीएम के पास अधिकार होगा। जनरल डायरी को मंगवाने और निरीक्षण करने का अधिकार किसके पास होगा, डीएम के, क्योंकि डीएम के साधारण नियंत्रण में सभी थाने रहते हैं, डीएम के साधारण नियंत्रण में जिले की पुलिस रहती है, इसलिए डीएम को अधिकार है कि वो जनरल डायरी को जब चाहे तब मंगवा सकता है और जब चाहे तब निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, तो जीडी से संबंधित ये तो पॉइंट हो ही गए। अब कुछ जीडी और केस डायरी से संबंधित पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पुलिस की फॉर्म नंबर 217 किससे संबंधित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वो जनरल डायरी से संबंधित क्वेश्चन है, वो पॉइंट है। और पुलिस का फॉर्म नंबर 342 केस डायरी से संबंधित है। जनरल डायरी और केस डायरी से संबंधित प्रावधान क्या है, जनरल डायरी से संबंधित प्रावधान अभी आपने पढ़ा सेक्शन 44 में दिया गया है, और केस डायरी से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 172 में दिया गया है। जनरल डायरी में पुलिस विनियमन पैरा 291 से 299 गवर्न होते हैं। चलिए पुलिस विनियमन अभी आगे हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि पुलिस विनियमन 291 से 299 किससे संबंधित है, जनरल डायरी से संबंधित है। और केस डायरी से संबंधित क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन पैरा 291 से 93 और पैरा 108 और 109 ये केस डायरी से संबंधित है। ठीक है, जनरल डायरी जो होती है वो थाने का दस्तावेज होती है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, पूरे थाने में जो भी कार्रवाइयां हुई वो इसमें लिखी जाती है, जबकि केस डायरी हर केस के लिए अलग होती है और ये केस के अन्वेषण से संबंधित होती है, केस में जो कुछ कार्रवाइयां होती हैं वो इसमें लिखा जाता है। ठीक है, जनरल डायरी कहाँ से प्राप्त की जाती है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त होती है, और केस डायरी भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ही प्राप्त की जाती है। जनरल डायरी भी केंद्रीय सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपी जाती है, लिखी नहीं छपी जाती है, और केस डायरी भी केंद्रीय सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। जनरल डायरी होती है वो थाने के भार साधक अधिकारी के नियंत्रण में रहती है, जबकि केस डायरी जो होती है वो अन्वेषण अधिकारी के पास होती है। जनरल डायरी दो प्रतियों में लिखी जाती है, जबकि केस डायरी अन्वेषण, केस डायरी में अन्वेषण का विवरण लिखा होता है, इन्वेस्टिगेशन का विवरण लिखा होता है। जनरल डायरी में थाने का संपूर्ण कामकाज, कोई भी कार्रवाई हुई है, गतिविधि हुई है, वो लिखी होती है, जबकि जो केस डायरी होती है उसमें दो प्रतियों में बनाई जाती है। पहली प्रति भेजी जाती है किसको, पहली प्रति रहती है मूल प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेज दी जाती है, और उसकी जो कॉपी होती है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास रहती है। ठीक है, जनरल डायरी है, इसका डीएम इसका निरीक्षण कर सकता है, जबकि जांच व विचारण में न्यायालय इसका प्रयोग कर सकता है। केस डायरी का न्यायालय जांच व विचारण में सहायता के लिए भी जनरल डायरी भी मंगा सकता है। केस डायरी साक्ष्य नहीं है, जनरल डायरी को साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर केस डायरी और जनरल डायरी में एक तो आपको ये बता दिया कि केस डायरी और जनरल डायरी से संबंधित प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह पुलिस एक्ट हो, चाहे वह सीआरपीसी का सेक्शन पूछा जाए, चाहे आपसे पुलिस फॉर्म नंबर पूछा जाए, चाहे आपसे पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के संबंध में पूछ लिया जाए, और उनके जो ये आपको हमने अंतर बता दिया, ये आपके मेंस में भी क्वेश्चन बना है और इसमें प्री में आपसे इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल डायरी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, धारा 45 जो अगली धारा है वो किस बारे में प्रावधान करती है। धारा 45 राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है कि राज्य सरकार निर्देश देगी, किसे निर्देश देगी, पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक को या फिर किसी भी अन्य पुलिस अधिकारी को। राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, क्या निर्देश दे सकती है कि किसी भी मामले से संबंधित जो विवरणियां हैं, विवरणियां मतलब केस डायरी है या फिर अन्य कोई विवरण है, वो नियत प्रारूप में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में मंगा सकेगी अपने पास। कौन मंगा सकेगा, राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार की पावर किस धारा में देगी, धारा 45 में देगी। धारा 45 में बताया गया है कि राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि पुलिस महानिरीक्षक को, पुलिस महानिदेशक को या किसी भी पुलिस अधिकारी को कि वह प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो भी विवरण उससे मंगाया जाए वो लाके प्रेजेंट करे। ठीक है, ये तो सेक्शन हो गया सेक्शन 45 से सेक्शन। अब सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य सरकार विवरणियां किस धारा में मंगा सकती है, धारा 45 में, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा पुलिस अधिनियम में विवरणियों को मंगाने का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 45 में दिया गया। कौन मंगा सकता है, राज्य सरकार मंगा सकती है, किससे मंगा सकती है, पुलिस महानिरीक्षक महानिदेशक या अन्य कोई भी पुलिस ऑफिसर है, किस फॉर्मेट में बनाए मंगाएगी, जो फॉर्मेट कौन नियत करेगा, राज्य सरकार निश्चित करेगी उस प्रारूप में दे रहे हैं। अब कौन कौन सी विवरणियां होती हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, गिरफ्तारी,
मान लो किन किन को गिरफ्तार किया गया है इसकी जानकारी, जनरल डायरी, केस डायरी, एनकाउंटर अगर किया गया तो एनकाउंटर के संबंध में, कहते हैं ना जब कोई मामला विवाद में हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट मंगा रही है, वो रिपोर्ट सेक्शन 45 में ही मंगाई जाती है, सेक्शन 45 में वो रिपोर्ट मंगाई जाती है, गिरफ्तारी के संबंधित, दर्ज अपराधों के संबंधित, जमा आयुध के संबंधित रिपोर्ट हो सकती है, किसी अभियोजन की प्रेजेंट कंडीशन क्या है इस बारे में रिपोर्ट मंगाई जा सकती, तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई और स्टेट गवर्नमेंट ये रिपोर्ट मंगा सकती है, वो रिपोर्ट किसी से भी मांग सकती है, जरूरी नहीं है कि सीधे इंचार्ज से मांगे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है, आदेश SP के पास आए, हो सकता है आदेश SO के पास आए, हो सकता है आदेश सीधे IG, DIG और DGP के पास भी आ जाए, तो ये पावर जो है वो सेक्शन 45 में दी गई है। देखिए थोड़े से अलग अलग सेक्शन है लास्ट में जो दिए गए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगला है पुलिस अधिनियम का विस्तार या परिधि, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 46 है पुलिस अधिनियम का जो विस्तार है उससे संबंधित कौन सी धारा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पुलिस अधिनियम के विस्तार से संबंधित कौन सी धारा है, धारा 46 है, पुलिस अधिनियम स्वतः प्रभावी नहीं होगा परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आदेश देकर इसको लागू कर सकेगी। देखिए पुलिस एक्ट तो बना दिया गया है और ये आजादी से पहले का एक्ट है, लेकिन पुलिस अधिनियम किसी भी स्टेट में या किसी भी स्थान पर स्वतः प्रभावी नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्या पुलिस अधिनियम प्रभावी होता है स्वतः राज्य सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आपका क्या होगा, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा। जब तक राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी इसमें केंद्र सरकार को भी पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? क्योंकि जो पुलिस है वो किस सूची का विषय है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जो पुलिस है वो किस सूची का विषय है, स्टेट सूची का विषय है, कॉन्करेंट सूची का विषय है, या सेंट्रल सूची का विषय है, सेंट्रल लिस्ट का विषय है, स्टेट लिस्ट का, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वही एक कारण है जिसके कारण राज्य सरकार अधिसूचना करके इस अधिनियम को लागू करती है। राज्य सरकार और क्या कर सकेगी, राज्य सरकार अधिनियम के बारे में नियम बना सकेगी। क्या नियम बना सकेगी? प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए और पुलिस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए जो भी नियम जरूरी होंगे वो बना सकेगी। जो अभी हम लोग पुलिस एक्ट पढ़ रहे हैं इसके बाद हम लोग पुलिस विनियमन पढ़ेंगे और जो पुलिस विनियमन पढ़ेंगे वो इसी पावर के तहत है, सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 में राज्य सरकार ने उसे बनाया है। राज्य सरकार को किस धारा में अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो सेक्शन 46 की पावर 2, सॉरी सेक्शन 46 का सब क्लॉज 2 में ये पावर दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा राज्य सरकार को क्या पावर है? राज्य सरकार जो नियम बनाएगी उनको संशोधित कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है और निरस्त कर सकती है। और ये सभी जो पावर है वो इसलिए है क्योंकि जो आपका भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्टेट सूची का विषय है पुलिस, किस सूची का विषय है? स्टेट सूची का विषय, इसलिए पावर किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसी राज्य किसी सरकार को किसी अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सी सरकार या कौन अधिसूचना जारी कर सकेगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? तो आपका आंसर होगा राज्य सरकार। कौन नियम बना सकेगा? राज्य सरकार। कौन नियमों में परिवर्तन कर सकेगा? राज्य सरकार, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन घुमा के पूछना हो तो थोड़ा सा ऐसे पूछ लेंगे कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस विनियमन है उसमें संशोधन करना है तो ये संशोधन कौन करेगा? तो संशोधन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को संशोधन करने की पावर है और उसमें ऑप्शन दे देंगे DGP, स्टेट गवर्नमेंट और भी कोई ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या करना है? स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। अगला सेक्शन है सेक्शन 47। सेक्शन 47 आपको वेयर एक्ट दिखा देता हूँ। वेयर एक्ट में सेक्शन 47 लास्ट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 47 में हम लोग आ गए हैं। खुशी की बात है कि हम लोग पुलिस एक्ट कंप्लीट करने पे आ गए हैं। काफ़ी दिनों से पुलिस एक्ट चल रहा है, लगभग 8वीं क्लास है आज, और 8 क्लासों में हमने पुलिस एक्ट का एक एक सेक्शन बिल्कुल खोल के पढ़ लिया है और हर संभावना देख ली है कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे तो कोई पॉइंट अगर रह गया होगा तो वहाँ से भी वो पॉइंट भी कवर हो जाएगा। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए मिशन एपीओ। इससे हमको पता चलता है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और पूरी तरीके से एपीओ के मिशन में लगे हुए हैं और लॉ ज्ञान आपके साथ है। तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे मिशन एपीओ। और अब आप ये बताएंगे कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है, या कोई पॉइंट आपको अगर लग रहा है कि छूट गया है तो वो भी बताइए, वो भी मैं कवर कर दूंगा। बाकी कल के गैप के बाद परसों से हम लोग इसकी MCQ सॉल्व करेंगे और एक दो क्लास या ज़्यादा 3 क्लास में पूरे MCQ सॉल्व कर लेंगे। पुलिस एक्ट का आप ये मानिए कि 15
नंबर का जो पुलिस एक्ट और रेगुलेशन आता है उसमें से 10 से 12 नंबर का पुलिस एक्ट आता है वो आपका कंप्लीट होने वाला है, और फिर इसके बाद हम लोग रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, राज्य सरकार की घोषणा करने की शक्ति है। राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह घोषित कर सकती है। जिले का मजिस्ट्रेट जो प्राधिकार रखता है, पुलिस ग्राम अधिकारी या ग्राम चौकीदार प्रयोग करता है, वह पुलिस जिला अधीक्षक प्रयोग करेगा, लेकिन ऐसा वह डीएम के साधारण नियंत्रण में करेगा। इस कारण राज्य सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र के किसी भाग में पुलिस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे प्राधिकार का प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो हो गए सेक्शन की लैंग्वेज। अब सेक्शन 47 को थोड़ा साधारण अर्थ में समझ लेते हैं। पुलिस ग्राम अधिकारी या जो ग्राम चौकीदार है उस पर जो पुलिस जिला अधीक्षक है वो प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा। पुलिस जिला अधीक्षक के अधीन होंगे ये, लेकिन जो प्राधिकार का वह प्रयोग करेगा वह जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन करेगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पुलिस ग्राम अधिकारी या ग्राम चौकीदार पर कौन प्राधिकार का प्रयोग कर सकेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि ऐसी राज्य सरकार के अधीन पुलिस के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में इस अधिनियम को प्रभावशील करने के लिए यह घोषित करे। राज्य सरकार घोषित करेगी, क्या घोषित करेगी, कि जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य पुलिस अधिकारी पर प्रयोग करता है, कौन प्रयोग करता है, जिले का मजिस्ट्रेट, वह कर सकता है। उसे पुलिस का जिला अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करेगा। मतलब जो ग्राम चौकीदार है या ग्राम पुलिस अधिकारी है उस पर कोई भी प्राधिकार का प्रयोग जिले का अधीक्षक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा किसके अधीन करेगा, जिले के साधारण मजिस्ट्रेट, सॉरी जिले के जिले मजिस्ट्रेट के अंतर्गत करेगा, डीएम के साधारण नियंत्रण के अंतर्गत करेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि राज्य सरकार की प्राधिकार के संबंध में घोषणा करने की शक्ति सेक्शन 47 में दी गई है, और किसके ऊपर है, जिला पुलिस ग्राम अधिकारी या ग्राम चौकीदार के ऊपर प्राधिकार का प्रयोग कौन कर सकेगा, जिला अधीक्षक प्रयोग कर सकेगा, और किसके साधारण नियंत्रण में करेगा, तो जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में करेगा। सेक्शन 47 पर हम लोग यहाँ पुलिस एक्ट खत्म कर लेते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन है पूरे एक्ट में तो वो भी हमको बताइए, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मिशन APO। धन्यवाद।